हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेबीज वर्ल्ड। और मैं हूँ सेबी और आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी और वो है आज सब्जी, भिंडी की सब्जी। तो उसको हम बनाएंगे ओवन में। जब हम भिंडी की सब्जी कढ़ाई में बनाते हैं तब हमें वहाँ उसमें बहुत सारा तेल डालना पड़ता है और हमें वहीं पे खड़े रह के उसे पकाना पड़ता है, क्योंकि वो जल जाता है, अंदर लग जाता है कढ़ाई में और चिकना भी बहुत हो जाता है। तो मैं प्रिफर करती हूँ कि ओवन में बनाने से हमें बहुत बार देखना भी नहीं पड़ता और आसानी से एक ही बार हम चेक कर लें तब भी चल जाता है और आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से वो सब्जी बन जाती है। तो आज हम ओटीजी में उसे बनाएंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक और शेयर जरूर करिए। यहाँ पर मैंने भिंडी ली है 500 ग्राम। उसको मैंने अच्छे से धो के थोड़ा ड्राई होने के बाद उसे ऐसे पीसीस में कट कर लिया है। आप अगर चाहो तो इसे अलग तरह से भी काट सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो शेप में। मुझे यहाँ पे ये शेप पसंद है इसलिए मैंने इस तरह से राउंड राउंड कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले और इसको अच्छे से मिक्स करके हम ओवन में इसे पकाएंगे। हम इसे कढ़ाई में नहीं पकाएंगे तो ये थोड़ा अलग से है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच, अब जीरा पाउडर वो 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। आप जैसा खाते हो उस तरह से आप नमक ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे करी लीव्स ड्राई है मेरे पास तो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स हो तो उसको छोटा छोटा कट कर ले और उसे ऐड कर दें। मुझे इसका स्मेल और टेस्ट बहुत पसंद है। इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ 15 ml, क्योंकि हम ओटीजी में बना रहे हैं इसलिए हमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मैरिनेशन ही बोलेंगे। इसे करके हम आधा एक घंटा भी रख ले तो कोई बात नहीं है। तो उसको मैं 10-15 मिनट के बाद, मुझे अभी ही पकाना है तो मैं 10-15 मिनट हो चुकी है तो मैं इसे एक ट्रे में डायरेक्ट ही डाल दूँगी। अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। मैंने ओटीजी को 200 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया है और वो ऑलमोस्ट होने को आया है। इस तरह से इसे आप फैला दें। अब हम इसे ओवन में रख देंगे। हम मिडल रैक में रखेंगे क्योंकि हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड से पकाना है, इसीलिए मैं टोस्ट का जो ऑप्शन है तो दोनों ऊपर नीचे दोनों हमें हीट मिलेगी तो उससे ये अच्छे से पक जाएगा। इस तरह से हम इसे पहले 10 मिनट के लिए रख लेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे कितना पका हुआ है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि और हमें इसे
कितना पकाना है। दस मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करके देखते हैं। ये पकना शुरू हो चुका है, तो हम इसे थोड़ा मिक्स करके वापस से पकने के लिए और रख देंगे। 5 मिनट के लिए रखेंगे और फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। 10 मिनट तो हो ही चुका है। अब हम इसे रख देते हैं ओवन में और 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट हो चुकी है, तो टोटल 15 मिनट हुई। हम इसे देखते हैं, ये पक ही गया है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी जैसा नहीं करना है तो ये भिंडी की सब्जी पक चुकी है 15 मिनट में, लेकिन मुझे इसे थोड़ा और ड्राई करना है तो और 5 मिनट के लिए मैंने रख लिया, तो टोटल 20 मिनट्स हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसे रोटी के साथ या दाल राइस है, खिचड़ी कढ़ी है, उसके साथ खाने से बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल चिकने नहीं हैं, एकदम से ड्राई, और दिखने में भी बहुत अच्छा है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे मेरी चैनल सेबीज वर्ल्ड। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें मेरी चैनल को, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस यहाँ पे दी गई लिंक पे आप क्लिक करें, जिससे आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं, और ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करें जिससे आप मेरी चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ जाके प्ले लिस्ट में भी आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, और सेबीज वर्ल्ड का लोगो यहाँ पे दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करें, जिससे आप मुझे सब्सक्राइब भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।